हे गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज सुभदीप चैटर्जी एंड आई वेलकम यू ऑल टू गाइड आईएएस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यूपीएससी इससे हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। और जो लेक्चर आज होगा उससे आपका एक दो क्वेश्चन गारंटी आ सकता है आपका कमिंग एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये आया कहाँ से, ये कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल आया कहाँ से। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अमेरिका वाज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने ये प्रीएम्बल यूज किया था, राइट। तो वही से हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड दैट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग ऐसे भी तो कुछ चीज नहीं कर देगा ना। देखिए, प्रीएम्बल क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस देता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले उसमें लिखा क्या है, उसमें अचीव क्या हो सकता है, उस बारे में किसमें लिखा है, प्रीएम्बल में। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, बस प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, तब भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इस रिलेटेड वेरियस जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जैसे एन ए पालकीवाला, इन्होंने बताया था प्रीएम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए, अगर हम आपसे कंपेयर करें तो आपका आईडी कार्ड क्या होता है, आपका पहचान होता है, तो वैसे ही ये प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान है, हम लोग का संविधान का पहचान है। और के मुंशी साहब ने क्या कहा था, इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब क्या है हॉरोस्कोप, मतलब क्या है कि हम लोग को ये फ्यूचर में गाइड करेगा, फ्यूचर में हम लोग को लेकर जाएगा कि हम लोग को ये फॉलो करना है, ताकि हम लोग एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, वो सारा टर्म्स हम लोग फ्यूचर आगे इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होता है। अर्नेस्ट ये था एक अर्नेस्ट बेकर, इन्होंने क्या कहा था, प्रीएम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अलाद्दी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने क्या कहा था, ये कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, जिन्होंने हम लोग का देश का संविधान बनाया, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनका एक मेंबर अलाद्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल क्या है, जो हम लोग सोचे थे और इतना दिनों से जो ड्रीम करके आए थे, वही हम लोग का प्रियम्बल है। क्या बोला था, देखिए, वॉट वी थॉट एंड ड्रेम्ड फॉर सो लॉन्ग, यही हम लोग का प्रीएम्बल है। इस रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मतलब ये चीज जो मतलब जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियोलॉजी है वो किस में रिफ्लेक्टेड होता है। फिर ऑप्शन था प्रीएम्बल, फंडामेंटलाइज, डीपीएसपी, और ऐसा चार ऑप्शन था। तो आपको पता है प्रीएम्बल, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख चुके हैं प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, वेरियस पर्सनैलिटीज का बातें देख चुके हैं, कोई बोला आईडी कार्ड है, कोई बोला हॉरोस्कोप है, कोई बोला कीनोट है, तो कोई बोला कि हम लोग जो सोचे वही हम लोग प्रीएम्बल में लिख दिए। और हम लोग ये कहाँ से मिला था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्दर हम लोग देखते हैं प्रीएम्बल में क्या, ये बेसिक जो फिलोसॉफी है हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो फंडामेंटल वैल्यूज है, जैसे हम लोग का हर कंट्री हर कल्चर का कुछ वैल्यूज होता है, जैसे हम भारतीय के वैल्यूज है, मॉरल्स है, वो सभी प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे प्रीएम्बल में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। देखिए, फर्स्ट तो हम लोग को प्रीएम्बल चार चीज देता है, ठीक है। एक देता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर, ये क्या है प्रीएम्बल में, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर, दिस इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। वी द पीपल, हम लोग जो ये डेमोक्रेटिक एक कंट्री है इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोग को एक प्रीएम्बल से दिख जाता है। और क्या दिखता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। इंडियन स्टेट का क्या नेचर है, तो आप देखिए क्या नेचर है, सॉवरेन। देखिए, हम आपको टर्म्स भी समझा दे रहे हैं, सॉवरेन मतलब क्या, सुप्रीम और फ्री, मतलब कि दूसरा दूसरा देश का जो, जैसे इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो यूनाइटेड नेशंस हम लोग को एडवाइस कर सकता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है हम लोग के ऊपर कि हमको करना ही पड़ेगा। हम लोग सुप्रीम और फ्री है, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सॉवरेन का मतलब आपको समझ में आ गया, सुप्रीम एंड फ्री। अब देखते हैं सोशलिस्ट मतलब क्या है। देखिए, सोशलिस्ट मतलब क्या है कि समाज में जो गरीब है और अमीर है उसका बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑल आर इक्वल। तो हम लोग का जो देश में होता है वो क्या होता है, नेहरूवियन सोशलिज्म फॉलो होता है। क्या, नेहरूवियन, मतलब हम लोग का देश में तो हम बता नहीं सकते ना कि सब लोग इक्वल, सब लोग कहाँ इक्वल है। जैसे मुकेश अंबानी साहब के पास इतना ज्यादा है, लेकिन बहुत लोग मतलब गरीबी से भी जूझ रहा है, लेकिन हम लोग का सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है।
आप आज आईएएस के एग्जाम दे रहे हो तो इसमें भेदभाव नहीं होता है, राइट, कि ये अमीर है तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, नॉट दैट। तो सोशलिस्ट मतलब हम लोग समझ में आ गया कि गरीब और अमीर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर स्टेट मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी रिलीजन के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ा हम लोग को वरदान मिल गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम लोग पॉजिटिव कंसेप्ट फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे ट्रिपल तलाक बैन हुआ, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव कंसेप्ट मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरवीन कर सकता है, लेकिन सारा रिलीजन गवर्नमेंट के पास सेम है। और अगर उसको कोई कुछ दिखेगा कि दैट इज गोइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स हम लोग का छीन जा रहा है ड्यू टू सम नेचर ऑफ ड्यू टू सम नेचर, अगर हम लोग का कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीन जा रहा है तो वो क्या गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर कर सकता है। जैसे आपका ट्रिपल तलाक हो गया, फिर सबरीमाला टेम्पल का जो इशू हुआ था उसमें भी था, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। दिस इज अ ह्यूज बून विच वी गॉट, ठीक है। जैसे मतलब दूसरा देश में क्या होता है, जैसे जो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस इसमें फॉलो होता है, ये भी यूपीएससी मेंस में पूछा गया था कि फ्रेंच और हम लोग के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो फ्रांस और हम लोग के बीच में तो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म उधर फॉलो होता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट इंटरवीन ही नहीं करता है। अगर रिलीजन में होता है कि ह्यूमन को सेक्रीफाइस करते, मतलब ह्यूमन का बलि चढ़ा दे तो वो भी कर देता है, तो मतलब उसमें स्टेट कुछ इंटरवीन नहीं करेगा, तुम लोग जो मर्जी करो। लेकिन पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या होता है, स्टेट इंटरवीन करता है, जो कि हम लोग का देश में होता है। तो आई होप सो आपको ये तीन समझ में आ गया पूरा अच्छा से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक, राइट। देखिए डेमोक्रेटिक भी दो तरीके का होता है, देखिए डेमोक्रेटिक दो तरीके का होता है। एक आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी आता है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये कौन सा देश में होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में हो गया। पहले तो डेमोक्रेटिक का मतलब आप समझ लो, देखिए डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, क्रिटिक मतलब क्या है, रूल, और डेमो मतलब पीपल है। तो जैसे हम लोग डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन निकालते हैं उसमें उस स्टडी को डेमोग्राफी को बोलते हैं। तो डेमो क्या है, पीपल, एंड क्रिटिक इज द रूल। तो डेमोक्रेटिक क्या है, रूल ऑफ द पीपल। इसमें दो तरीके का होता है, कि डायरेक्ट जिसमें स्विट्जरलैंड आता है, इसमें क्या क्या फॉलो होता है, एक आपका रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम मतलब क्या होता है, देखिए रेफरेंडम मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो वो पीपल का वोट से डायरेक्ट लिया जाएगा, या फिर रिकॉल हो सकता है। मतलब क्या है, कोई पर्सन को आप लोग डायरेक्ट वोट से भी ऑफिस से रिमूव कर सकते हो, लेकिन हम लोग का देश में ये नहीं होता है। हम लोग का देश में पूरा मोशन पास करना पड़ेगा, फिर ही मेजोरिटी पास करना पड़ेगा तभी रिमूव कर सकते हैं। रिकॉल हो गया, और क्या होता है हम लोग का, मतलब सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्लेबिसाइड हो सकता है। प्लेबिसाइड मतलब क्या, एक डिसीजन दे दिया, ठीक है, आइदर आप लोग अग्री करो या डिसअग्री करो, वो कैसे डिसाइड होगा, बाय मेजोरिटी वोट, मतलब लोगों से डायरेक्ट वोट लिया जा रहा है। और या फिर क्या होता है, इनिशिएटिव, मतलब कोई चीज अगर स्टार्ट करना हो तो कौन डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, पीपल डायरेक्टली डिसाइड करता है। लेकिन हम लोग का देश में क्या है, डायरेक्ट नहीं है, हम लोग का देश में क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको पता होगा लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग चुनकर लोगों को भेजते हैं, फिर वो लोग हम लोग के लिए लॉ डिसाइड करता है, मतलब लॉ वोट करता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर उस हिसाब से डिफरेंट लॉस पास होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हम लोग का देश में होता है। तो देखिए ये चार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिपब्लिक क्या होता है। देखिए रिपब्लिक मतलब तो दो चीज होता है, एक होता है रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट, ये तो हम लोग का होता है, हम लोग वोट देते हैं, राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका ऑपोजिट क्या है, मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या है, हेरिडिटी। तो ऐसा नहीं है हम लोग का देश में, हम लोग का देश में अगर गवर्नमेंट अच्छा नहीं काम करे तो जनता क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उनको इलेक्ट नहीं करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इसका मतलब क्या है, जो भी पब्लिक ऑफिसेस है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। पब्लिक ऑफिसेस में क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी कोई भी आप एग्जाम ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जाम में कोई भेदभाव नहीं होता है कि इसका ये इसका बेटा है, इसका लड़की है, तो शी ही और सी विल गेट मोर प्रेफरेंस, ये नहीं होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो रिपब्लिक मतलब दो हो गया। आई होप सो आपको ये पांचों कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे यूपीएससी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्या हम लोग को बोलता है, ये पांच वर्ड्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पूरा अच्छा से आप लोग ये समझ लीजिए, ये क्या बोलता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हम लोग का इंडियन स्टेट कैसा है। और हम लोग को प्रीएम्बल से क्या पता चलता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पता चलता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव पूरा साफ दिख रहा है, क्या है? हम लोग को जस्टिस लाना है, लेकिन जस्टिस ऑफ व्हाट काइंड? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब क्या है कि आप लोग कोई किसी को कास्ट का ऊपर, उसका कास्ट का ऊपर, या फिर उसका कलर मतलब स्किन कलर, या फिर रेस का ऊपर आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत जगह प्रैक्टिस हो रहा है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो लीगल नहीं है। देखिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको ये इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का संविधान है ये तो आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का अपना राइट्स के बारे में बोलते हैं, एज एन इंडिविजुअल आपके पास क्या क्या राइट्स है, राइट? तो अगर कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई कास्ट कलर रेस इस हिसाब से कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है कि आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, उसका अगेंस्ट में रिट पिटीशन कर सकते हो। तो ये हम लोग हो गया क्या, जस्टिस ऑफ सोशल, कैसा सोशल जस्टिस हम लोग को समझ में आ गया। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? सेम बात है जो हम लोग सोशलिस्ट में देखे थे। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि बेस्ड अपॉन द मनी, हम लोग नहीं बोल सकते ये गरीब है ये अमीर है इसलिए हम जो अमीर है उसको लेंगे, या ऐसा करके हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल भी सेम है, ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन में कोई अमीर ही खड़ा होता है, एनी वन कैन स्टैंड इन इलेक्शन, अगर पार्टी उसको खड़ा करता है, हम लोग खुद का पार्टी भी बना सकते हैं अगर वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू अप्रूव होता है। तो हम लोग को जस्टिस मिलता है तीनों का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो हम लोग का अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग को उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, लाइक ही यूज टू सेल टी और वहां से जाकर अभी ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो ये देश का इतना पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल है कि फ्रॉम अ टी सेलर वन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये हो गया हम लोग का जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या देखेगा, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या, फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी हम लोग का किस चीज का मिलता है, थॉट, एक्सप्रेशन, आप लोग खुलकर कुछ भी बता सकते हो, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि ये तब तक वैलिड है जब तक आप दूसरा का कोई मतलब, अगर दूसरा का, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो अगर दूसरा का कोई फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तब आपका इसमें रोक लगा सकता है, लेकिन यूजुअली आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आपको फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, तो वो अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हो देन यू हैव द लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लिबर्टी आपको समझ में आ गया। अब इक्वालिटी, ठीक है, सबको इक्वल मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इक्वालिटी मिलना चाहिए। इसलिए देखिए हम लोग क्या कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, हम लोग देखिए रिच और पुअर के बीच में इक्वालिटी नहीं है, लेकिन हम लोग इक्विटी के कंसेप्ट को बिहेव कर इक्वालिटी इक्विटी कंसेप्ट को देखिए, इक्विटी ये कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बिलीव करते हैं। जैसे जो जो भी बैकवर्ड कास्ट है उसको हम लोग रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो लोग समाज में और आगे आ सके, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वालिटी मिलेगा। तो ये क्या आ गया हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स। और एक क्या है, फ्रटर्निटी मतलब भाईचारा, क्या, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और एवरी इंडिविजुअल डिग्निटी से बच सके। ये हम लोग का अभी देश में नहीं हुआ कि अभी सब लोग डिग्निटी से नहीं जी पाता है, किसी को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, घर भी नहीं है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग को ये अचीव करना चाहिए, राइट? फ्रटर्निटी लाइक ये क्या है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और सारा इंडिविजुअल क्या है, डिग्निटी के साथ लिव करे विथ प्रॉपर डिग्निटी। तो ये हम लोग को फ्रटर्निटी हो गया। क्या लिखा है देखिए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ पीपल, मतलब सम्मान के साथ हर व्यक्ति रह सके समाज में, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हम लोग अपना नेशन को यूनिट यूनाइट और पूरा एक यूनाइट करके रख सके। और फाइनली हम लोग को ये प्रीएम्बल क्या देता है, देखिए डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये दे रहा है ऑन 26 नवंबर 1949। तो इस डेट में क्या हुआ था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ था, वो 26 जनवरी, सॉरी एक मिनट, 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद हम लोग पूरा पूरी रिपब्लिक हो चुके थे। इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, वो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ लेंगे, राइट? तो 26 इसमें क्या हुआ था, ये क्या देता है, देखिए चार चीज देता है। एक तो हो गया, एक सेकेंड, हाँ देखिए एक तो हो गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी और पावर हम लोग को देता है अपना संविधान, सॉरी प्रीएम्बल। और क्या देता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया प्रीएम्बल का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। और जो डेट ऑफ अडॉप्शन, ये चारों चीज देता है। तो ऐसे ही आपको प्रीएम्बल को याद करना है, अगर एक बार में इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न फिर आपको याद नहीं होगा, तो आप ये फोर मेन हेडिंग्स में आप डिवाइड कर लीजिए प्रीएम्बल को। आई होप सो इसके बाद आपको प्रीएम्बल याद हो जाएगा। अब
देखिए इससे भी यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, पार्ट ऑफ, इससे रिलेटेड यूपीएससी 2020 में भी, प्रीलिम्स 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं प्रियम्बल, इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास हुआ था इसके रिलेटेड। बेरुबारी यूनियन केस, ये बांग्लादेश में एक बेरुबारी उसमें एक प्लेस का नाम है, उसको लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया था। उसमें क्या बोला था, 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोला था प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए यूपीएससी में इतना ही पूछता है, आप लोग ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ क्योंकि आपको पीएचडी सब बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से काम बन जाता है, तो ये सब आपको जानना है। इसमें बोला था पार्ट नहीं है। फिर हम लोग का बहुत फेमस केशवानंद भारती केस होता है, उसमें 1973 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है एलआईसी ऑफ इंडिया केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस, ये कब होता है, 1995 में। इसमें क्या बोलता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हाँ है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। तो ये केसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलता है नहीं है, बाकी दो में बोलता है हाँ है। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है कि हम लोग का प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं क्या। अमेंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी आप लोग चेंज करें, कॉमा भी चेंज करें, उसको हम लोग अमेंडमेंट बोल देंगे। तो हम लोग प्रियम्बल को अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं क्या। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब अमेंड कर सकते हैं। इसमें हम लोग चेंज नहीं बोलते, अमेंड बोलते हैं। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, द गार्जियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या बोला था कि प्रियम्बल पार्ट है, ठीक है, इसमें बोला था पार्ट है, इसमें भी बोला था, मतलब प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, राइट, प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, ये कब किया गया था देखते हैं, 1976 इमरजेंसी का टाइम में, नेशनल इमरजेंसी हम लोग को कंट्री में हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें अमेंडमेंट करके क्या आया था, तीन वर्ड इंसर्ट हुआ था, राइट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटेग्रिटी, राइट, ये तीन वर्ड ऐड हुआ था। तो सोशलिस्ट और सेकुलर क्या था, ये हम लोग का नेचर ऑफ इंडियन स्टेट था, और ये क्या था, ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा हम लोग इंटेग्रिटी अचीव करना है, यूनिटी अचीव करना है। तो ये तीन वर्ड किससे इंट्रोड्यूस किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो मतलब हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये दो जजमेंट में हम लोग को दिख रहा है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया, प्रियम्बल का जितना भी था आपको बता दिया। और एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है वो क्या है, देखिए जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल, ये प्रियम्बल जो लेजिस्लेचर है उसको कुछ भी पावर नहीं देता है, जो लेजिस्लेचर है मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको पावर कहाँ से मिलता है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, प्रियम्बल से पावर नहीं मिलता है, ठीक है, प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है बट दे डोंट डिराइव द पावर फ्रॉम द प्रियम्बल। और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है इक्वालिटी, मतलब क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी, ठीक है, लेकिन हम आपको बताया कि अभी देश में उतना नहीं है, जैसे फ्रटर्निटी, फ्रटर्निटी अभी तक मतलब सब पीपल डिग्निटी के साथ नहीं रह रहा है, वो तो प्रियम्बल में लिखा गया था कि डिग्निटी के साथ रहना है। तो इस रिलेटेड आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम तो ये तो डिग्निटी के साथ नहीं रह रहा है तो गवर्नमेंट कुछ कीजिए, इस ये नॉन जस्टिसिएबल, राइट, दिस इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो गाइस जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिलेटेड टू प्रीएम्बल्स मैंने जितना शॉर्ट हो सके आपको बताने का कोशिश किया, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ये यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा प्रीएम्बल में नहीं है, ठीक है, एक लिबर्टी ऑफ थॉट, और एक ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी, और एक क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और एक ऑप्शन क्या है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इनमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है,
आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताएं। दैट्स ऑल गाइस, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आप लोग हम लोग का हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस का नाम है, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।